दोस्तों, हमने स्त्री शक्ति के पिछले सीजन में हिम्मती औरतों की कहानी आपको सुनाई। हमने आपकी कहानी सुनाई, असुरक्षा में जिसने सुरक्षा का कवच बनाया, जिसने स्त्री पुरुष के भेदभाव से लड़कर अपने लक्ष्य को साधा, जो कभी खेती तो कभी गांव की दशा को संवारती है, जिसने परंपराओं को दी चुनौती और महिलाओं को दी कानून की सहायता, जिसने औरतों को दिखाया एक नया रास्ता, स्वच्छता जिसके जीवन का उद्देश्य बन गया, जो वीर है, बहादुर है, टुकड़े टुकड़े को जोड़कर जो अपने घर को बनाती है, पर्दा हटाकर जिन्होंने दुनिया की सच्चाई देखी, अकेली है तो क्या, अपने जीवन के मायने जिसने खोजे। हाँ, हम ऐसी और भी स्त्रियों को लेकर आ रहे हैं एक बार फिर स्त्री शक्ति में। डर तो मुझे भी लगता था, लेकिन अपने डर को दूर करने को मैंने आवाज दी अपनी बहनों को। डर तो मुझे भी लगता था, पर अपने डर को दूर करने को ही मैंने आवाज दी अपनी पड़ोसन को। डर हम सबको लगता था, हम सब ने एक दूसरे को आवाज दी। हमारा डर दूर हुआ, तभी तो हम आज आंखों में आंखें डाल करती हैं बातें, आज की, कल की, एक एक पल की। स्त्री शक्ति के मंच पर आप सभी का मैं श्रुति उल्फत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। गरीबी जिंदगी में मुश्किलें लेकर आती है, बाधाएं लेकर आती है। गरीबी के हालात केवल एक गरीब ही समझ सकता है। स्वाद का महत्व उसे ही समझ में आता है जो स्वाद से वंचित होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन बाधाओं को बहादुरी और संगठन की ताकत से दूर कर देते हैं। हमारी आज की मेहमान फूलबासन बाई ने भी गरीबी नाम की बाधा को संगठन की ताकत से दूर किया। तो दोस्तों, तालियों के साथ स्वागत कीजिए फूलबासन बाई का। मुझे गले लगना आपसे। बैठिए प्लीज, बैठिए। फूलबासन जी, आपका स्त्री शक्ति के मंच पर मैं और हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैडम। मैं बहुत कुछ जानती हूँ आपके बारे में, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा था, आपकी जिंदगी कैसे थी, और कहाँ अभी जो जिस मुकाम पर आप अभी आकर पहुँची हैं, वहाँ तक कैसे पहुँची, वहाँ का सफ़र क्या था। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँ स्त्री शक्ति स्टूडियोला और सुनने वाला दर्शक ला भी बहुत बहुत प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ से 45 किलोमीटर राजनांदगांव जिला है नक्सल प्रभावित जी, वो राजनांदगांव जिला से फिर 45 किलोमीटर हमर छुरिया एक गांव है, बचपना वहीं कटिस एक छोटे गरीब परिवार में। माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब रहीस, एक छोटे से होटल वहाँ ऐसी झोपड़ी में होटल रहा है, वहाँ मोर माँ बाप कब्बसी धुला है, कब्बसी धोए के काम करो मैं जी। हम भाई बहन शाम को जब चावल खाना मंगन कि हमला खाना दे, भूख लगते तो माँ बाप के आँख में आंसू देखन, जब जब खाना मंगन तब तक आंसू आए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक हमला भूखे रखे, तो एक बार इसे बार बार देखन कि माँ बाप जब खाना मंगथन तो रोते। तो मोर मन लगे कि जो इंसान पढ़ते लिखते हो, वो नौकरी बहुत नौकरी करते, खूब पैसा कमाते। मोर बचपन में 7-8 साल की उम्र में एक सोच रही, और बार बार लगे कि हाँ स्कूल है बाजू में, मान लो मैं भी पढ़ते लिखते हो तो मोर माँ बाप रोती से नहीं, हमन जब खाना मंगते तो रोते। तो मैं पढ़ लिख के नौकरी करते हूँ, नौकरी करे के बाद मैं अपन भाई बहन माँ बाप ला खुश रखते हूँ,
और खूब पैसा कमाते हैं, मतलब ये नहीं मालूम रही से कि गरीबी का चीज होते, गरीबी के मतलब नहीं मालूम रही। तो वो आपके माँ बाप ने आपको बताया ही नहीं? नहीं बता रही कि गरीब हम, अगर कारण ये नहीं बता रही मोला कि बेटा नहीं है, आज आज नहीं बना कल बनेंगे, अभी सो जाओ हम सुबह ला के देंगे, बस हमला दुलार के ही सुला दे और वैसे में हमार जिंदगी चले। फिर मोर मन इतना मन में लगी इसके मोल पढ़ना है, मोल पढ़ना है, पुस्तक ले के देखूँ, कहीं पेपर पढ़ रहा है वो उठा के देखूँ, मोर मन में इतना ज़्यादा लगे कि मैं पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ूँ, मैं नौकरी करूँ, खूब पैसा कमाऊँ, मोर माँ बाप ला नहीं रोन दो। फिर बार बार देखूँ लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर छत्तीसगढ़ी में कहावत है, वैसे मोर मर रही से स्कूल में जाके बच्चे मल्ला लगाए लगाए रहे बस्तर, खेले कूदे लाइन से जाए, तो मोर मन होटल के पीछे में ही बैठ के मैं इतना नज़र उठा के देखूँ कि मोला कोई तो आए, मोला कोई तो पढ़ाए, बार बार जाओ स्कूल में भी जाओ, जब तुर माँ बाप ला बुला के लावे, भर्ती होवे तब पढ़वे, स्कूल में जाके भी देखो लेकिन मोला निकाल दे स्कूल से कि जा तुर माँ बाप ला बुला फिर पढ़ना। एक दिन बहुत ही ज़्यादा मोर मन इच्छा हो गया, रोते हुए हाथ पकड़ के अपन बाबू जी मल्ला बोले कि मोर पढ़ना है। फूलबासन जी आपको पता है एक बात, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो काम आप करते हो ना और जो कर रहे हो, इतने पढ़े लिखे हैं हमारे हिंदुस्तान में दुनिया भर में, कोई इतना बड़ा काम नहीं करता है जो आप कर रहे हो बिना पढ़ लिख कर। मैं जानती हूँ हम सब जानते हैं कि आपको बहुत शौक है, अभी भी पढ़ने का शौक है, लेकिन जो आप कार्य कर रहे हो ना वो बहुत 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 कीमती काम कर रहे हो आप। इतने पढ़े लिखे लोग ना इतना काम नहीं करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के लिए कभी कोई काम नहीं करता, और जो आप काम कर रहे हो वो बहुत पार है, ऊपर है, बहुत भगवान का काम कर रहे हो आप। तो रोना नहीं है, पानी पियोगे, चाय पियोगे, थोड़ी बातें करोगे और जी चलो नहीं सारी बातें करते जी चलो हाँ फिर बताओ आप मुझे। फिर माँ बाबू जी के पास जाके बोले कि मोर पढ़ना है स्कूल जाना है, तो मोर बाप माँ बाबू जी मन रोते हुए दोनों बोली कि बेटा हम गरीब हैं, ऐसे दो शब्द मोर कान में आई, सबसे पहली पहले शब्द बोली कि हम बेटा हम गरीब हैं, जब दो वक्त के रोटी नहीं खिला सकते हैं तो तुम कहाँ पढ़ा सकेंगे, पहली शब्द में पहली बार गरीबी सुने रहूँ, बोलो पता नहीं रही इसके गरीबी, जिकर घर में खाना नहीं रहा दो वक्त के रोटी नहीं रहा बोला गरीब बोलते हैं, पहली बार सुने। दूसरा शब्द बोली मोर बाबू जी कि बेटा ते बेटी हरस पढ़ के का करबे, चूल्हा फूकबे ससुराल जाबे ते दूसरा घर के पराए धन हरस, ये दोनों शब्द मोर कान में इतना ज़्यादा भर गए, बार बार कान में आए कि बेटी और बेटा में माँ बाप फर्क काबर करीस, और बाहर के जो ड्राइवर कंडक्टर है जो बस चलाने वाला है गाड़ी चलाने, वो मन 5 रुपये 10 रुपये मिला के मोर पर कोई ड्रेस लीन और कोई पुस्तक लीन, ऐसे करके मोर जब इच्छा ला देखी इसके लड़की जब देखे तब पुस्तक ला पकड़े रही थे। तो ये ट्रक ड्राइवर वगैरह जो आके चाय वाय पीते थे, हाँ चाय पीने वाला बाबा के होटल में जो चाय वाय पीते थे वो लोग, जी जी, तो वो उन्होंने देखा, वो मन देखी इसकी मोर इच्छा ला कि एकदम बहुत ज्यादा उत्साहित है पढ़े पर, तो हाँ। चलो सब मिल के पढ़ाता ने लड़की ला, इस करके कोई ड्रेस ली कोई पुस्तक कोई काफी लेके मोर खाली 5वीं कक्षा तक पढ़े न मन, 5वीं कक्षा मतलब 20 साल पहले की बात जी, 20 साल के पहले। तो आप सोचिए 20 साल पहले वो ड्राइवर, अब आप खुद सोचो जी, वो ड्राइवर भी तो खुद पढ़े लिखे नहीं थे जी, तो उनकी सोच इतनी अच्छी कैसे हो गई, उन्होंने सोचा कि ये लड़की जी, ये लड़की पढ़ना चाहती है, हमने नहीं पढ़ा, उनकी सोच को देखिए आप जी, जी। तो ड्राइवरों की काबिले तारीफ है कि उन्होंने आपके बारे में सोचा, आपके दर्द को समझा और उन्होंने आपकी सहायता की। बस ड्राइवर और कंडक्टर जैसे लोगों ने जो किया उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। अगर ऐसी सोच हर किसी की हो तो फिर फूलबासन जैसे मासूम बच्चों के सपनों को उड़ान मिल सकती है। ऐसी मदद ही अपने आप में बदलाव की पहल है। सलाम है उन लोगों को जिसने फूलबासन के पढ़ने की लगन को समझा और प्रोत्साहित किया। फूलबासन जी आप मुझे बताइए कि फिर आपने पढ़ाई कब करनी शुरू की? तुरंत भर्ती कर दी एक दो दिन के बाद में पुस्तक लेके, और मोलो सैम नहीं पता नहीं रही इसके मन मोल पढ़ा थे, अचानक मोला ड्रेस मिल गया नया कपड़ा मिल गया, तो मोर लेकिन दुनिया की खुशी मिल गई, एक मोर एक सपना रही से कि मैं पढ़ूं लिखूं, वो चीज़ पूरा करे बर एक पराए मामा जी चाचा जी
ओमन आके मुला पढ़ाई तो मुला तो बहुत खुशी रही से और मैं एकदम खुशी के साथ में स्कूल में जाके भर्ती हो गयो और पढ़ते हुए पांचवी कक्षा में ही यानी 10 साल में शादी कर दी। फिर 10 साल में ही मोर शादी हो गई। तो आपने बाबा को नहीं बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे और आगे पढ़ना है? नहीं बोले, मैं बहुत बहुत रो रो के बहुत बोले कि मोर पढ़ना है। मोर बिल्कुल मोर स्वयं इतना ज्यादा मन में ये नहीं रही से कि शादी के मतलब का होते। जब मैं बाल विवाह के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। एक छोटा सा बच्चा जिसको जिसकी खेलने कूदने की उम्र होती है, नई चीज़ें सीखने की उम्र होती है, पढ़ाई करने की उम्र होती है, उसकी शादी। इसलिए हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया है और आज फिर से बताना चाहते हैं कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा हो तो फौरन पुलिस को सूचित करें। छोटी छोटी बच्चियां ना तो शारीरिक रूप से विवाह के लिए तैयार होती हैं और ना ही मानसिक रूप से। इसलिए प्लीज़ विनती है आपसे कि बच्चियों के साथ ऐसा करना उनका शोषण करना है, तो इस शोषण से मुक्ति के लिए बाल विवाह का विरोध करें। तो 11 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, उसके बाद आप ससुराल चले गए? 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद 12 और 13 साल के बीच में ससुराल चले गए। तो फिर उस बीच क्या किया आपने घर में? 2 साल फिर पड़े हुए। 2 साल फिर पड़े जी। और जब वहाँ ससुराल गया तो मैं साड़ी लेके नहीं गिर हूँ, एक साड़ी ही माँ बाप दे रही से, और मेरे पास चप्पल भी नहीं रहा, बिना चप्पल के ससुराल गया। जब मैं वहाँ पहली बार गया तो एक बचपना रहा, मुझे नहीं पता रहा कि ससुराल है का करना है कानी। पति की भी उम्र बहुत कम रहा है, मोर पति गैया बकरी चराए, दूसरा यहाँ के नौकर काम करे। मतलब गैया बकरी चराते थे, दूसरों की गैया बकरी चराते जी, थे जी। और जब मैं वहाँ गई हूँ तो फिर मैं भी अपन पति के साथ में गैया बकरी चराने लगी हूँ। और जैसे ही वहाँ रह गई हूँ वैसे ही 20 साल तक इतना स्थिति खराब। मोर 20 साल के बीच में 2 बेटी और 2 बेटा जन्म लीस, बहुत 14 साल में ही मोर बड़े वाले लड़की जन्म ले ली। 14 और 20 साल के बीच में आपके 2 लड़के और 2 लड़कियां हो गई जी। तो आपकी जो आमदनी थी, जो आपका खर्चा, इतनी तकलीफों से आप गुजर रहे थे तो आपकी आमदनी जो थी वो गाय बकरी चराकर होती थी जी। तो उससे गुजारा हो पाता था आपका? वहाँ मैडम गांव में सिर्फ 2 किलो चावल धान मिलते, 1 साल गाय चराओ तो खाली 2 किलो धान मिले। जब गैया बकरी चरा कान तो शाम के समय जवान तो बेटी बेटा मोला तड़पते हुए देखूं, मैं जमीन में लौटते हुए, मैं तो 1 दिन 2 दिन भूखे रहूं, लेकिन मोर बेटी बेटा मन 3 दिन 4 दिन तड़पते रहे सब भूख में। 6 बजे जब गैया बकरी चरा के आऊं तो मैं कटोरा लेके पूरा गांव में घूमूं, गली में कम से कम 1 गिला चावल तो दे दे, लेकिन कहते ना सबके माँ बाप होते, गरीब के कोई माँ बाप नहीं हुए। ऐसे लगे कुछ काम करूँ तो कम से कम मार तो मिल जाए, चावल के मार, चावल के मार पर घूमे बच्चे मन कटोरा लेके, लेकिन कोई विश्वास नहीं करे। इंसान सब लोग देखना पसंद करते, जिकर घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है ओकर चेहरा देखना भी पसंद नहीं करे। मैं 6 बजे 10 बजे रात तक गली गली में आशा लगा के देखूँ कि कम से कम कोयला तो दया लगी, मोर बेटी बेटे मन कोई खाना तो दे दी, लेकिन वारे समाज 20 साल तक ऐसे काटो कबर के वो माँ जो कई हड्डी के टूटन दर्द से कि अपन बेटी बेटा ला जन्म दी थी, कई उम्मीद के साथ अपन बेटी बेटा ला पालते और खुद गीला में सोते और सुखा में बच्चा ला सुलाते, हर चीज सहन कर सकते, लेकिन माँ अपन बेटी बेटा ला भूखे सहन नहीं कर सके। मैं वो माँ हूँ जो अपन बेटी बेटा ला तड़पते हुए इस समाज में देखे। गोदी में ले लेके ही रोते हुए मोर दिन कटे और दिन कटते जाए कबर के। मैं 4 महीना 5 महीना में नमक और मिर्च खाए ले मिले, 4-5 माह में जब नमक मिर्च मिले तो वो स्वाद आए, वो नमक मिर्च में शायद आज मैं बड़े बड़े होटल में जाके भी वो खाना खाते ना वो में स्वाद नहीं है। उतना समय मोर 2 बेटी 2 बेटा के प्रति ध्यान लगी, मोला ये समाज के प्रति ध्यान गीस कि मोर जैसे कई माँ हुई, कई गरीब माँ बाप हुई, ओमन भी तड़फत हुई, उखर आत्मा का कहत हुई, और शाम से लेके रात तक ध्यान मोर वही में रहा है, मैं का करूँ ये समाज पर। फूलबासन जी, ये मेरी कल्पना के परे है जो आपके साथ बीती है,
जो आपने जिस तरीके से संघर्ष किया है, पता नहीं मैं क्या कहूँ उसके बारे में। लेकिन हाँ, 10 साल की उम्र में फूलबासन की शादी हो गई। एक गरीबी से निकलकर दूसरी गरीबी की चक्की में उनका जीवन पिसने लगा। लेकिन फूलबासन बाई ने क्या फैसला किया इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए, तो जानेंगे हम वो ब्रेक के बाद। शक्ति के मंच पर आप सबका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फूलबासन बाई जी से, तो बताइए फिर आपने क्या किया? मन में लगी इसकी, एक बोलते ना कि नारी नारी मत कहो, नारी नर के खान, नारी से नर हो थे ध्रुव पहला समान। दुनिया ला बसाने वाला, सृष्टि ला रचाने वाला एक माँ ही तो है। माँ से ही दुनिया है। माँ चाहे तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन एक माला चार हो सकते, लेकिन 10 माला चार नहीं हो सके। ये मोर मन में लगी कि हम एक माँ कुछ नहीं कर सके ना, अपन बेटी पर, अपन बेटा पर, या पढ़ाई पर, लिखाई पर, या भूखे, हर चीज़ पर। लेकिन मान लो हम 10 माँ बन के, मान लो दो दो मुट्ठा चावल इकट्ठा कर लें और दो दो रुपया हफ्ता में जो बचान, तो बहुत बड़े काम हो सकते। आपने जो एक कदम उठाया वो आपने बोला अब मैं जाकर हर माँ के पास जाऊँगी और उन्हें इकट्ठा करूँगी, तो वो कैसे किया आपने? जब मैं शुरुआत कर रही हूँ तो सबसे पहली गांव की पुरुष मन सामने आई, इतना विरोध करे लगी कि गांव की बहू बाकी बहू मतलब बाहर निकाला थे। खबर कि ये 20 साल की पहली कोई महिला बाहर नहीं निकले। कोई बाहर निकले तो सबसे पहली कोई पति सामने में आए या कोई दादा सामने में आए, कोई महिला कोई सामने में निकल जाए तो बोला कई प्रकार के गाली गलौज दे परिवार वाले कि ये आपके काम नहीं, आप भीतर में रहो, घर से बाहर नहीं निकले काम नहीं है। कोई लड़का के सामने में महिला सामने खड़े नहीं हो, वो स्थिति रहा। जब मैं शुरुआत कर रही हूँ तो सबसे पहली मोर पर विरोध चालू हो, जे जे घर में जाऊँ तो वहाँ विरोध चालू हो। लेकिन वो मतलब समझाए के कोशिश करो, मैं 6 महीने तक तो सबसे पहले समझाए के ही कोशिश करूँ। बड़ा मुश्किल से सिर्फ 10-11 महिला तैयार करी हूँ मैं, जो महिला जैसे आज मैं संघर्ष करत हूँ, मोरी जैसे एक बनी भूति करने वाला, उकर भी बच्चा भूख रहना, उकर बच्चा भी पढ़ाई नहीं करना, ये सब महिला मन ही मैं सबसे पहले ले। और जब वो सामने आया तो जब मैं बताया नहीं, अपन मन एक तो कुछ नहीं कर सके थे ना, चलो 10 माँ बन के हम आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे भूखे मर ही तो हमन खिलाबो, अब एक माँ नहीं हम 10 माँ बनेंगे, ये होकर मन में दिमाग में लाया तो मन अच्छा लगी। अरे हाँ, हमारे लड़के ला तो हम पढ़ा सकथन, हम कम से कम नहीं खिलाथन, आज आपके घर 1 किलो चावल दे देंगे, अगले महीने 1 किलो कर यहाँ चावल दे देंगे। ये होकर मन में मोर जी से भाव आने लग गए कि हाँ, ये तो फूलबासन बहुत अच्छा बात कर रहे थे, चलो सब मिल के वैसी करथन। तो सबसे पहली हफ्ता में सब्जी ले भर जाना है हाट बाजार, तो वहाँ उठाएं जैसे 2-2 रुपया निकाले कोशिश करन सब्जी ले भर जान तो, हाँ। तो जब 2 रुपया हफ्ता में इकट्ठा करन, जब बैठक करन तो गांव के विरोध करे, इतना विरोध करे कि ये लड़का मन के काम है बैठक करना, यहाँ पुरुष मन के काम है, महिला मन नहीं बैठे। तो ये जो सारे जो विरोध करते थे वो पुरुष थे जो विरोध करते जी। थे, तो ये पुरुष तो इन सब स्त्रियों के परिवार वाले थे जी, जी। लेकिन आपके परिवार में भी एक पुरुष जी थे जो आपके पति, तो उन्होंने विरोध किया कभी? बहुत ज्यादा, बोला भी 8-10 दिन घर से बाहर रहना पड़े, गीला कपड़ा पहने रहो, खाना पीना भी नहीं मिले हो, मैं बाहर में ही पड़े रहा हूँ, पानी गिरा, मतलब उन्होंने बोला कि बाहर रहो घर से। हाँ, दरवाजा बंद कर दे, घुसन नहीं दे मैं जब भी काम, और बच्चे अंदर थे उनके साथ। हाँ, बच्चे मन अंदर रहा है, मैं बाहर में रहा हूँ। मैं 4-8 दिन तक घर से बाहर में ही, सामने में ही सो रहा हूँ, वही घर के दरवाजा से मैं बाहर नहीं हटू, मैं घर के सामने में ही रही के चौखट में ही। हाँ, चौखट में ही आप? हाँ, वहीं पर बैठे रहते। हाँ, फिर हटे नहीं हूँ, भूखे प्यासे हर कुछ सहन करके मैं वहाँ नहीं हटे। माँ कई प्रकार के परेशानी झेलना पड़े मोल, बहुत हाँ। चीज पहले अत्याचार करे कबर की अज्ञानता, लेकिन आज गुरु ही है, भगवान ही है, मैं पति के विरोध नहीं करूँ, कबर के पता नहीं रिस के मोर पत्नी का करत है, उनको ज्ञान नहीं था, ज्ञान अज्ञानता ही से। और दूसरा बात की पूरा गांव समाज में सब कोई जहाँ जहाँ हर कोई मोर पति ला ही डांटे कि अपन पत्नी ला घर में रख, ये बाकी महिला मतलब भी समूह बनाते का करते समझ में नहीं आए। और कई बार ऐसे मोल पड़ीस कि मार भी सहना पड़ीस, नाक मुंह से खून भी आ गए। तो आप जो 10 महिलाएं थी, आपने अपना संगठन बनाया जी, और फिर आगे आपने क्या किया? जब साथ नहीं दे तो पूरे गांव में 2-3 दिन बैठक रहा है आप लोगों के खिलाफ। हाँ,
हमारे खिलाफ ही पूरा बैठक हो वहाँ, कोई पानी भरना बंद, गैया बकरी चरवाना बंद, और यहाँ तक कि समाज से अलग बेटी बेटा मन भी डांट लगाना समूह वाले ला, ऐसे जो हम समिति में जुड़े रहे मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ी, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे ना और डटे रहे हम सब। जब मैं साथ में रहूँ तो मतलब भी हिम्मत आए और कुछ भी हो जाए हम अपन संगठन तुरंत। जब फिर मोर गांव वाले मन झगड़ा उमन झगड़ा करे लड़ाई करे पूरा परिवार समाज, तो मुझे लगे मैं लड़ाई करूँ तो फिर होकर मोर में अंतर ही का हो। मैं बोला एक प्रेम के साथ, जैसे महात्मा गांधी प्रेम से पूरा दुनिया ला जीत गए, वैसे ही मैं पूरा गांव की साफ सफाई शुरू कर दूँ। संगठन तैयार करके ही सिर्फ 10-11 महिला गाँव में, कभी गली साफ नहीं हुआ, पूरा गली साफ करना, नल बोरिंग साफ करना, स्कूल में जाके बच्चे मन ला देखना, स्कूल साफ करना, ये सब देख के गाँव वाले मन करे ये मन तो बहुत बड़े काम कर रहे थे। हमन अपन पत्नी ला या अपन माँ ला हम तो ऐसे समझते रहे, घर तक सीमित थे। तो जो उनका व्यवहार था आप लोगों के प्रति, उसमें बदलाव आया? बिल्कुल बदलाव आ गया। 2001 में जनवरी में ही 26 जनवरी कार्यक्रम हुई तो वहाँ झंडा फहराए के मौका मिल गया मोला। वो गाँव वाले मन ही बुलाई कि फूलबासन चलाते झंडा फहराए, बहुत बड़े काम करे, इसे मोर पर बहुत बड़े खुशी के दिन रही मोर पर। तो आपके महिला मंडल को उन्होंने बोला आप आकर झंडा लहराएंगे हिंदुस्तान जी, का जी, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो वो वाकई में सराहनीय है जी। और उनकी आंखें जो है वो एकदम खुल गई जी, और वो आप लोगों के साथ सहमत हो गए, जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो पुरुष थे गाँव के उनका रवैया आप लोगों के प्रति एकदम बदल गया। लेकिन एक एक ऐसी घटना घटी थी जो गांव के कुछ दबंग लोग थे उन्होंने कुछ किया था, उसके बारे में आप हमें बताएंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति आप सबका फिर से स्वागत है। जब एक ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारो तो लहरें दूर तक जाती हैं। समाज का कोई अंग जैसे ही हिला पूरी पुरुषवादी व्यवस्था हिल गई। फूलबासन बाई के नेतृत्व में औरतों ने समाज को बदलने की एक छोटी सी कोशिश क्या की, गांव में हलचल मच गई। आप हमें बताइए वो जो घटना घटी थी वो क्या थी? वहाँ कई साल से बाजार ठेका चलत रही है और बड़े बड़े सेठ यानी के दलाल है वो मन सब खरीदत रही है। बाजार ठेका मायने यानी कि बाजार में वसूली करना, वसूली करना, पंचायत से वसूली करना। तो ये सब काम समूह में जुड़े के बाद में हमने लगी कि वहाँ ठेकेदार कोई है और पैसा वसूली कर रहे थे, तो हम भी एक काम कर सकते ना, एक लड़का होके पुरुष होके वहाँ कर सकते, तो हम काबर नहीं कर सकें। तो वहाँ बोली लड़का मन के बीच में बोली लगा के बाजार ठेका ला अपन खरीद लेन। हाँ, जो लड़का मन के काम है वो बहुत बड़े काम रही से, वो बाजार ठेका ला अपन हाथ से खरीद लेन, हम बोली लगा के पंचायत से। तो वो विरोध हुआ उस, बहुत ज्यादा विरोध हुई और यहाँ तक के दबाव भी बढ़ी, धमकी भी पड़ी कि जान समेत मार देंगे करके, कई प्रकार के धमकी पड़ी। और हम 10 ही महिला गांव में 53,000 में ही बाजार खरीद ले, 53,000 में लिए जी, 53,000 तो आप लोगों ने इकट्ठा किया, 53,000 हम बैंक से जुड़ चुके से, तो आप बैंक से जुड़े। हाँ, तो बैंक में आप कैसे, बैंक कैसे गए आप वहाँ गेन? बैंक में तो सब बाकी महिला मन सब चप्पल उतार दे आप, तो उनको लगा मंदिर जा रहे हैं, मंदिर है वहाँ, पैसा है तो वहाँ मंदिर, तो मंदिर है, तो सब चप्पल उतार के ही सब महिला मन जाए और सब हाथ जोड़ के ही वहाँ बैंक में जाए, यहाँ भगवान है। फिर वहाँ एक बैंक के अधिकारी रही से जो एकदम बहुत अच्छा रही जी, जो अधिकारी हमारा सपोर्ट करी, सहयोग करी। पहली बार कोई भी जो एक भाई के रूप में, गुरु के रूप में जब सबसे पहली कोई बड़े अधिकारी ला देखे हम, तो हम वो बैंक के अधिकारी ला देखे। वो उनका नाम क्या, वो सिंगा सर ऋषि सिंगा सर, और यूनियन बैंक के द्वारा जुड़े। तो वो देखी कि गांव में इतना अच्छा महिला मन काम कर रहे थे और 2-2 रुपया पैसा जमा कर रहे थे और 2-2 मुठ्ठा चावल। मैं आपला बताना चाहूँ कि चावल और पैसा इकट्ठा करें काबर में, मतलब बोले काबर ये बात मोर छूट गई। सबसे पहली बात कि वो 2-2 रुपया हफ्ता में हमन महीना में 10 रुपया जमा करन, एक माह 10 रुपया जमा कर सकते लेकिन 10 माह 100 रुपया जमा कर सकते। 100 रुपया से अपन बेटी बेटा ला पढ़ा सकते, लिखा सकते, कोई बीमार है उसका इलाज करा सकते। पहली मोर मेन मुद्दा रही से। दूसरा रही से चावल 2-2 मुठ्ठा हर हफ्ता बचाए के, अब वो महीना में कम से कम 1 किलो 2 किलो चावल, और जे बहनी यहाँ चावल नहीं है
जो बच्चा भूखे होला हम राम कोठी के नाम से वो सबसे पहले तैयार करें, राम कोठी नाम दें। और जो सरकार के कई योजना है गांव तक नहीं आना और गांव के समस्या सरकार तक जाना, ये मोर तीन मुद्दा री से जो लड़के और चौथा री से मोर नाम री से देना री से मोला कि पढ़ाई भलाई सफाई, पढ़ाई भलाई सफाई, ये तीन नारा री से मोर, ये मोर बचपन से ही लगत री से कि ये चीज़ में मोर करना चाहिए। तो ये चारों चीज़ ले लेके मैं शुरुआत करूँ, जैसे काम वहाँ साफ सफाई देखना गांव में और स्कूल में जाके देखना, तो वहाँ के जो बैंक के सिंगर सर है वो आके सबसे पहले मोला बोलते कि फूलबासन जी आप मन बैंक में आके खाता खुलाओ। हम तो खाता खुलाए में लिखना पढ़ना वाले मदद कर के मैं कम पढ़े लिखे हूँ, तो ये सब कुछ देख के ना बैंक मदद करी और फिर समूह बनाए में भी मदद करी। जब एक समूह तैयार हो तो हमार काम ला देख के फिर हम पूरा गांव में भी समूह बनाए। जब गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाना और फिर वहां हर महिला अपन जांच कराना, गर्भवती महिला मन जांच कराना, टीका लगाना, ये सब कुछ करवाऊं। तो वो जो डॉक्टर वो कहां से आए? गांव के ही एक छोटे से हॉस्पिटल है, वहां हॉस्पिटल में बोल दें कि हम 10 महिला जाके बोलन कि बाकी साहब मन बुलाओ और दवाई लाओ, हमारे गाँव में कोई बीमारी मत हो। इतना बदलाव लेकर आ गई कितने सालों में? 2001 से 2002 में ही एक साल के भीतर आप इतना बदलाव अपने गांव में लेकर आ गए। छत्तीसगढ़ अब बदल रहा था, एक के बाद एक बदलाव इस बात का संकेत दे रहे थे कि फूलबासन बाई का समूह केवल आर्थिक बदहाली से लड़ने के ही माध्यम नहीं था, बल्कि वो सामाजिक बदहाली से भी लड़ने को अब तैयार हो चुका था। 10 महिलाओं ने कई आंदोलन चलाए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था नशा मुक्ति आंदोलन। तो फूलबासन जी हमें बताइए कि वो आंदोलन आपने कैसे छेड़ा और क्यों छेड़ा? रक्तदान के साथ में वहाँ महिला जागरूकता शिविर से वहाँ नशा के बहुत सारा चीज़ बताई गई। तो वहाँ एक कलेक्टर सबसे पहली जो गुरुदेव पहली सिंगर सर, दूसरा कलेक्टर दिनेश श्रीवास्तव सर, और वो नीचे में बैठ के सुनत रही कलेक्टर बातला। कलेक्टर वहाँ फटे पुराना साड़ी एकदम दुबली पतली, और सबसे पहली मंच मोर वहीं रही से, कभी मंच में बोले नहीं रहे, मैं पाँव में चप्पल नहीं, और ऐसे कई महीने तक बाल में कंघी नहीं, और ऐसे बोला रहे मंच में, बोले इस बैंक वाले सर। तो जब बोलते रहे नशा से लेके महिला ला कितना ज़्यादा परेशान होते, तो वहाँ फिर सबसे पहले वहाँ कलेक्टर आके बोलते कि महिला ये कौन है बुलाओ करके, और मंच में जब बोले तो मैं डर गयूँ। पहले तो मंच में बिंदास बोला रहे लेकिन जब कलेक्टर जी ने बुलाया तब आपको भय हो गया और नीचे में बैठ के सुनत रही। हाँ। और फिर नाम पूछी सब बोलीस कि आज के बाद हम आपके कोई कलेक्टर नहीं, हम आपके भाई हैं, और हम सब लोग मिल के समाज में जो नशा है, हाँ, महिला जागरूकता है, समूह बनाना है, आप जैसे संघर्ष करते हो ऐसे पूरा वस्ताओं में कई महिला संघर्ष करते हैं, तो सब लोग मिल के आगे बढ़ना है। तो दिनेश श्रीवास्तव कलेक्टर ने और ओकर साथ में फिर हम कार्यक्रम करें ना, वहीं से मोर दिमाग में कि ये नशा एक ऐसी चीज़ है जो लड़ना है, और हम रैली के माध्यम से गाँव में रैली निकलना और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम लगातार करते गए। तो ये नशा मुक्ति आंदोलन तो आपने चलाया, उसके साथ और भी कई आंदोलन चलाए जी आपने। बाल युवा रोक थम करे बर बहुत बड़े बीड़ा उठा, यहाँ तक कि लड़की की शादी होने वाला रही, बारात आने वाला रही, सोलह हम सब मिल के रोकवा दें। आपने कितनी शादियां आपने बाल लगभग 675 इसे गांव में पहली बाल विवाह रोकथाम करवाएं, फिर उसके बाद पूरा जिला में 675 गांव लगभग हमन बाल विवाह ला सबसे पहले 2003 में ही रोकवाएं। इस बात के लिए प्लीज फूलबासन बाई ने बदलाव की एक लहर पैदा कर दी। उनके आंदोलन को देखकर सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी प्रभावित होने लगे। फूलबासन बाई के साथ भी एक पुरुष जुड़े, लेकिन उनके बारे में हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति के मंच पर आप सबका फिर से स्वागत है। ऐसा नहीं है कि स्त्री शक्ति के मंच पर बातें अगर औरतों की होती हैं तो उसमें पुरुष शामिल नहीं हो सकते। अगर हम स्त्रियों की हालत सुधारना चाहते हैं तो पुरुषों को भी आगे आना होगा, पुरुषों को भी स्त्रियों के दुख दर्द को समझना होगा। ब्रेक से पहले हमने बताया था कि हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, तो अब स्वागत कीजिए एक ऐसे पुरुष का जो स्त्री शक्ति बनकर स्त्रियों के लिए काम करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं शिव कुमार देवांग जी का। स्त्री शक्ति,
सबसे पहला सवाल तो यही है कि पुरुष होकर जी आप फूलबासन जी के साथ कैसे जुड़े, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं थी, 10 महिलाएं थी, तो आप कैसे इनके साथ जुड़े? ये वर्ष 2004 की बात है जी। उस समय मैडम लोग का जो आंदोलन था वो पूरे जिले में चल रहा था, और रंग जिले में जब देखें कि कम पढ़ी लिखी महिलाएं जब इतनी अच्छी काम कर रही हैं फूलबासन मैडम के द्वारा जी, उनके साथ, तो हमारा भी पेपर के माध्यम से हमको पढ़ने के लिए मिलता था, और हम जो कि राजनांदगांव जिले से थे, लगे हुआ मुख्यालय से थे, तो हमारे मन में भी एक भावना थी पहले कि हम भी कुछ समाज के लिए कुछ करें, और हमको ऐसे कुछ काम करते करते फूलबासन मैडम से हमारी मुलाकात हुई, और हमने भी उनके काम को प्रभावित होकर, उनके निस्वार्थ भावना को प्रभावित होकर, हमने भी इस काम में काम करने की इच्छा जाहिर की। शिव कुमार जी, आप फूलबासन जी के आंदोलन के साथ जुड़े, लेकिन आपने आगे भी प्रयास किया कि आप जैसे और भी पुरुष जो इस सोच के साथ हैं, सहमत हैं, वो भी जुड़े, तो उस वो आपने कैसे किया? मैडम तो महिला स्वयं सहायता समूह की जिला की अध्यक्ष थी, अध्यक्ष है, और उनके एक टीम होते थे ब्लॉक में, जो ब्लॉकों में महिलाओं को संगठित करने से लेकर आर्थिक से लेकर सामाजिक मुद्दे में काम करते थे जी। तो हम लोग पुरुष लोग भी जाते थे, तो उनको भी जो महिला समूह की जो उसके पति, उनको भी अच्छा लगता था, उनको बताते थे, उनको साथ में हम लोग लेके जाते थे कि तो आप देखो कि आपकी जो महिलाएं हैं कैसी काम कर रही हैं। जब उन लोगों ने देखा कि महिलाएं वास्तविक में अच्छे काम में लगी हुई हैं, उनकी पत्नियाँ, तो उन लोगों ने फिर सहयोग देना चालू किया, फिर एक के बाद पुरुष भी जुड़ते गए हैं, और आज बहुत खुशी होती है कि जब महिला समूह की मीटिंग होती है तो पुरुष जो है अपनी महिलाओं को गर्व के साथ साइकिल में लेकर आती है। मैं अच्छा महसूस करता हूँ कि फूलबासन भाई यादव ने हमको समझाया कि समूह की गठन करो, और समझाने के बाद हम लोग समूह गठन किया, बहुत दूर दूर तक गए हमारे, मेरे पत्नी ने वहाँ आके बताया कि अच्छा अच्छा जगह हम गए और वहाँ अच्छा सीख के आए, और उससे मेरे को बहुत खुशी मिल रहा है। फूलबासन दीदी खैरागढ़ में गीस, और हमार पत्नी में से मिली, समूह में जुड़ना है, तो पहले हमन समूह के बारे में समझत नहीं रहे, तो हमन वाला बाहर जाए के लिए या ओकर साथ जाए के लिए हमन मना करत रहे, लेकिन एकर बारे में पूरा समूह के बारे में बताइस कि समूह से आपके परिवार पूरा आर्थिक सहयोग मिली, सामाजिक सहयोग मिली, और आपके पत्नी के जान पहचान बनी, ऐसे करके जब समझेस तब अब आज जाके हमन ओला पूरा भरपूर जतका भी हमन ओला सहयोग देथन, और यही सहयोग ला देख के अभी डॉक्टर रमन द्वारा हमन ला अति सम्मान के रूप में भी हमन ला भी पुरस्कृत सम्मानित करेगी। मैडम का 4 दिन का पदयात्रा होता है, महिला पदयात्रा बोलते हैं, उसमें जो मैडम ने 3 मुद्दे बताए हैं, पढ़ाई, बढ़ाई और सफाई, उस मुद्दे को लेकर गांव-गांव में मैडम पदयात्रा करती हैं, और ऐसे गांव का चयन करती है जहां पर लोग नहीं पहुंच सकते, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, पूरे जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यहां पर इस अभियान में लगभग 100 महिलाएँ उनके साथ रहती हैं रात में, और उसके साथ साथ उसके पुरुष भी रहते हैं, लगभग 5-10 लोग 20 लोग भी रहते हैं उनके साथ, और इसलिए ये सब चीज़ बदलाव आ रहे हैं। लगभग मैडम का अभियान तो 2001 से है जी, और लगातार ये अभियान एक विकराल रूप लेते जा रहा है। हमें ये भी पता चला है कि आप लोग पुरुषों को सम्मान देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, इसके बारे में प्लीज बताइए। ये महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और तो वो दिन हमने बहुत बड़े कार्यक्रम रखते हैं, पूरे जिला महिला एक साथ इकट्ठा होते हैं, वहाँ 2-2 मुट्ठा चावल अपन अपन घर से, और कुछ दाल और पुराना साड़ी के पंडाल, और वो में हमन जो हमला सहयोग प्रदान करते, चाहे बैंकर से हो, बैंक के बैंकर से जो हमला सही समय में लोन मिलते, हमला एक आर्थिक स्थिति से सुधार लाए के बहुत बड़ी भीड़ है जो बैंकर से है, वो कर्मन के सम्मान करना, और जो पति पत्नी के सहयोग करते हैं, यानी कि कहीं कार्यक्रम में जाना है आना है तो पूरा सपोर्ट करना है, यानी कि अभी स्वच्छता अभियान चलते, स्वच्छता अभियान में बिना शासकीय मदद से लगभग हमारे 24 ऐसे गांव हैं जो शौच मुक्त बिना शासकीय मदद से बन गए,
वो सब कुछ पुरुष मन हमला सहयोग करे, हमारे जो घर के जो परिवार है, एक लड़का है वो मन सपोर्ट करे। तो आप ऐसे पुरुषों को सम्मानित करते जी, हैं? जी, वो मुख्यमंत्री जी के हाथ से सम्मान हो के मौका मिली तो मन इतना ज्यादा खुश, और हमला भी अपन आप लोग गर्व लगते कि आज हमारे परिवार जो हम तो उठे ही साथ में, हमारे परिवार भी आज अच्छा काम कर रहे थे और समाज सेवा कर रहे थे। आपने पुरुषों को सम्मान दिया, आपको अनेकों सम्मान मिले, लेकिन एक सम्मान जो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, और वो है पद्मश्री। तो उसके बारे में प्लीज़ आप हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, ये पद्मश्री सम्मान एक छोटे मोटे सम्मान नहीं, सही बहुत बड़े सम्मान है, और एक सपना की तरह मेरे सामने में आ गए, और मुझे लगी से सम्मान एक के नहीं है, आज भी कोई भी कितना भी सारा सम्मान लो, लेकिन कभी मुझे नहीं लगी से सम्मान मोर है, ये सम्मान हम सब महिला के, वो महिला जो गाँव के एक मजदूर किसान, एक मजदूर महिला जो घर से बाहर निकल के एक एकता संगठन के जो नशा से हो, चाहे बाल विवाह हो, कई से बड़े बड़े काम, चाहे सोखता गड्ढा हो, चाहे पानी बचाओ, वृक्षारोपण, बड़े से बड़े काम जो करें, वो हम सबके सम्मान हरे। जब वो सम्मान मिलीस तो हम तो पूरा गदगद हो गए, बहुत खुशी मनाया ना। और वो दिन से 2012 में जब सम्मान लेबर गयो राष्ट्रपति जी के हाथ से, तो मोर तो खुशी का ठिकाना नहीं रही से, बहुत खुशी लगीस। और फिर बोले लगीस कि पद्मश्री सम्मान अब जो भी महिला समूह बने बोला पद्म के नाम से समूह बने जाए, और पूरा जिला में पद्म के नाम से समूह तैयार करत हन और बने थे ये सम्मान हम सबके, और ये सम्मान चार गुना सम्मान के और आगे बढ़ाना है। ये सम्मान तो मिलते, लेकिन मिलना एक बहुत बड़ी बात है, निभाना होकर से बहुत बड़ी बात होती है। मैं वही संकल्प ले हूँ कि मोला चार गुना वो अच्छा काम करना है। आपने जो संकल्प लिया वो बहुत ही बड़ा संकल्प था, उस संकल्प के लिए स्त्री शक्ति की पूरी टीम और हमारे सभी दर्शक, हमारी जो पद्मश्री फूलबासन बाई यादव जी को तहे दिल से नमन करते हैं, जोरदार तालियां। हमने तो इतने सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए, इतने सारे सवाल कर लिए, लेकिन हमारी जो ऑडियंस, हमारे जो दर्शक स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जो आपको अभी सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो भी बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी मैम, मेरा सवाल है आपसे कि आपका जो समूह है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के सिलसिले में और क्या क्या प्रयास कर रहा है? हमारा समूह आर्थिक और सामाजिक दोनों मुद्दा में काम करते, आर्थिक में छोटे छोटे रूप में रोजगार देना, महिला मल्ला बैंक से जोड़ के उमल्ला रोजगार, और सामाजिक में नशा मुक्ति हो, चाहे बाल विवाह रोकथाम हो, या स्वास्थ्य पर हो, या शिक्षा पर हो, यानी कि पूरा काम महिला समूह करती है, यानी कि सरकार की योजना गांव तक आए और गांव के जो समस्या है वो सरकार तक जाए, ये काम दोनों आर्थिक और सामाजिक दोनों करते हैं। आपने जहाँ जहाँ समूह खोला वहाँ खाता भी खोला, अब तक उसमें कितना पैसा जमा किए? हमारे लगभग 2001 से 15 तक लगभग 20-25 करोड़ रुपया बचत राशि हो चुके हैं, और सब पूरे समूह के पास वो पैसा लेना देना सब चलते, रोजगार करते हैं। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, आपको अभी हम जाने नहीं देंगे, लेकिन शिव कुमार जी आप यहाँ आए, आपने हमें पूरे आंदोलन के बारे में बताया, आपका सहयोग क्या है वो बताया, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद फूलबासन बाई से खास तौर पर मिलने आ रही हैं एक मशहूर कलाकार, हम उनसे मिलेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति के मंच पर आप सबका फिर से स्वागत है। हिंदी फिल्मों की मशहूर रैपर सॉन्ग राइटर अब हमारे बीच आ रही हैं, हार्डकोर जी। हार्डकोर जी ने कई फिल्मों में प्लेबैक भी किया है और कई फिल्मों में ऑन स्क्रीन भी गाने गाए हैं। तो तालियों के साथ दोस्तों स्वागत करते हैं रैपर परफॉर्मर एंड एक्टर हार्डकोर जी का। तो हार्डकोर आप जानती हैं जी फूल जी के बारे में,
और इन्होंने जो कार्य किया है छत्तीसगढ़ में, तो आप कुछ इनको कहना चाहेंगी? मैं तो एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी कि इतने लोग नहीं होते कि जो अपनी यू नो सेल्फिश नहीं होते, जो जो दुनिया के बारे सोचते हैं और कुछ अचीवमेंट लाते हैं दूसरे लोगों के यू नो ज़िंदगी में। तो आपने जो भी किया है वो बहुत बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है, सच में आप हो हार्डकोर। इनकी स्टोरी सुन के मुझे याद आता कि मैंने भी काफ़ी फीमेल एम्पावरमेंट चैरिटीज़ में एंड एनजीओज में काम किया था, यूके में भी जी। तो एक तो मुझे फील होता है कि हम यू नो 2015 में हैं हम, और ऐसी सिचुएशंस के साथ मैं डील कर रही थी जब मैं 19 साल की थी, 15 साल की थी। आज आई एम 35 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट दिस दैट, कि हम आज तक इतने मॉडर्न एज में इन इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। आई जस्ट फील दैट यू नो इतना हम आगे बढ़ गए हैं लाइफ में, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास लेटेस्ट गाड़ी है, लेटेस्ट फ़ोन है, लेकिन एजुकेशन दिमाग अभी तक वही है, सोच जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड मेरी लाइफ में जो मैंने अपनी ऑटोग्राफी बायोग्राफी में लिखा था, इट वाज हार्ड कोर एंड आई ऑलवेज डिड इट माय वे, डोंट लाइक व्हाट आई से, यू नीड टू हिट द हार्ड वे, गिव इट टू यू स्ट्रेट बॉय, नो साइडवेज, दिस इज माय वर्ल्ड, यू पंक्स नीड टू माइग्रेट, cuz आई एम सर्टिफाइड फ्रेश, living in a man's world, I'm better than the rest, determined in my mind so I know what the future is, top of the world, I rock home metropolis. So mujhe pata hai, ye kehti hu ki main, chahe aap samajhte ho ki ye duniya aadmi ke naam se chalti hai, lekin auraton ke bina kuch nahi hai. So I feel aurte zyada संभालती हैं दुनिया को और फैमिलीज को। फूलबासन जी, हार्डकोर जी आपसे मिलने आई हैं, प्रेरित होकर आप जो कार्य कर रही हैं, आप कह रही थी बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहती हैं, तो अभी पूछिए। हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो गीत है, हमारे गीत है जो ला आप मन अपन भाषा में हमला सुनाओ। ठीक है, आप अच्छा लगे, आप सुनाइए, आपने भी एक गीत गाते हैं, आपके आपका भी तो एक गीत है। जी जी, हाँ, वो आप पहले सुनिए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। बहुत खूब फूलबासन जी, बहुत खूब। अब ये तो फूलबासन जी का गीत था जो ये प्रेरणा वाला गीत था जो सब आप लोग सब मिलके गाते हैं, लेकिन आप आपको पता है ना किस किस्म के गाने गाती हैं हार्डकोर? जल्दी 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 सही बोला, बहुत अच्छा। जो 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 रैप है उसमें एक्चुअली लड़कियां तो बिल्कुल नहीं करती, अभी तक मैं एक ही अकेली, सही बात बहुत एक ही अकेली लड़की, तो वो हमारे टाइम पे भी बहुत यू नो बस ये लड़के ही करते थे। सही बात है, तो मैं एक पहली औरत इंडिया की बनना चाहती थी जो मैं करती, तो उसमें भी डिफिकल्टीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो भी काम करो आई थिंक औरत के लिए इजी नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन हमको वही आपने बोला ना कि चलते रहो, पीछे नहीं हटना, हिम्मत नहीं हारनी। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की, तो आज का सवाल है फूलबासन बाई का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब देने वालों को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। आप अपने जवाब हमें इस पते पर लिखकर भेजें। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई स्त्री शक्ति है तो हमें उसका वीडियो भेजें या उसके बारे में हमें बताएं, हम उनको अपने इस स्त्री शक्ति के मंच पर जरूर लेकर आएंगे। स्त्री शक्ति।
आपको व्यू, आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि आप एक रैपर बने? एक्चुअली मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि रैप क्या होता है, यूके, इंग्लैंड, लंदन क्या होता है. मैं, मेरा जन्म तो इंडिया का ही है, तो मैं 5 साल की थी, फिर 84 राइट्स हो गए, फिर मेरे डैडी की डेथ हो गई. जब मेरे डैडी गुजर गए उसके बाद मम्मी की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी, दो दो बच्चे संभालने हैं और वो दो दो जॉब्स पे भी लगी है. समहा उनको इतना पैसे नहीं कमा पाती थी क्योंकि इंडिया में फ्री एजुकेशन नहीं है, इंडिया में फ्री हॉस्पिटल्स नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो जितना मर्जी वो ट्राई कर रहे थे उनसे हो नहीं रहा था. तो फिर उन्होंने लंदन शिफ्ट किया, मेरी मम्मी के फ्रेंड ने, उन्होंने बोला कि आप यूके चले जाओ, आपकी बच्चों की लाइफ बन जाएगी क्योंकि उधर सब कुछ फ्री एजुकेशन एंड एवरीथिंग इज़ फ्री. तो मेरी मम्मी ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी यंग थी, वो भी हम बच्चों को छोड़ के अपनी लाइफ इंजॉय कर सकती थी, कुछ अपने लिए भी कर सकती, लेकिन मम्मी ने सेक्रीफाइस करके हमको लंदन ले गई. अब भगवान को पहले ही से ही पता था कि मैं इस लाइन में जाने वाली हूँ क्योंकि और भी कोई कर सकता था ये. सो जब से मैं शुरू से ही, मुझे ये प्रॉब्लम थी कि भाई को या स्कूल में लड़कों को या हमेशा उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, हमेशा औरत को थोड़ा सा नीचे रखा जाता है. मतलब कोई शगन भी देता है, आपके घर कोई आता है शगन देता है, और मैं अगर अपने भाई से 3-4 साल बड़ी हूँ तो मेरा 20 रुपये बनता है, उसका 10 बनता है. नहीं बेटा, वो बेटा है ना, वो बेटा है ना. ये लाइन सुन सुन के मैं पागल हो गई थी जब मैं छोटी थी कि चाहे मैं इससे ज़्यादा पढ़ाई बेटर कर रही हूँ या इससे ज़्यादा मैं स्कूल में आगे हूँ या मेरे मार्क्स बेटर आ रहे हैं, लेकिन हमेशा बेटा है ना कह के फैमिली वाले, ये शुरू से मुझे बात मतलब अच्छी नहीं लगती थी. और 20 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट इंडियन फीमेल रैपर बनूंगी. मम्मी के पास गई, मम्मी ने कहा मैं तेरे साथ हूँ 100%. तो मुझे ऐसे ही कुछ करना था कि सबको मैं एजुकेट कर सकूं. तो आप रिबेल विद अ कॉज हैं, विदाउट द कॉज, नहीं विद अ कॉज. जो नेगेटिविटी लाइफ में देखी है उसको पॉजिटिव बनाना था. ये नहीं कि बैठ के रो के हाय लाइफ में कितना हो गया, ये ट्रेजेडी होगी. प्रॉब्लम तो सबको आती है, लेकिन प्रॉब्लम के थ्रू आप निकलते कैसे हो, आगे कैसे बढ़ते हो, वो है स्ट्रॉन्ग. तो हार्डकोर जी की सोच और उनका जो एक हार्डकोर, एक हम अपने सब अपने अपने स्टाइल में देश को आगे बढ़ा रहे हैं. और लेडीज के लिए बहुत सम्मान, यू नो, वी आर काइंड ऑफ गेटिंग दैट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द वुमेन. थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए और इतना सम्मान आपने हम सबको दिया. लेकिन जाते जाते एक और रैप तो बनता ही है. वन फॉर द ट्रेवल, टू फॉर द बेस, Corey's in the place, you better watch this space. One for the treble, two for the bass. Corey's in the place, you better watch this space. सच में दोस्तों, हम बूंद हैं, जुड़ जाएं तो सागर बन जाएं, उड़ जाएं तो हवा बनकर सांसों में घुल जाएं. हम बूंद हैं, चिड़ियों की प्यास बुझाएं. हम बूंद हैं आंखों की, हम बूंद हैं मेहनत की. हम बूंदे हैं जो प्यार में रहती हैं, तकरार में बसती हैं. हाँ, हम औरतें हैं जो पानी की बूंदों की तरह मिट्टी की नमी में रहती है. दोस्तों, मैं श्रुति उल्फत इजाजत लेती हूँ और अगले एपिसोड में एक और स्त्री शक्ति से मुलाकात होगी आपकी. मेरी बड़ी दीदी से जब मैंने बोला मैं जा रही हूँ तो उसने कहा कि बहुत टफ डिसीजन है, लाइफ इतनी इजी नहीं है. तो मैंने कहा यार पता नहीं, मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा टाइम पर, ये तारीफ करेंगे एक दिन. और मुझे कुछ भी नहीं सूझा और मैंने एक लेटर लिखा अच्छे से, माफ़ी वाफ़ी मांग के कि बुरा मत मानना. और मैं निकल के एक थोड़े से कपड़े लेके अपने बैग में सुबह सुबह निकली मैं 4 बजे घर से.